मुझे थोड़ा सा इच्छा है मन में कि इसके ऊपर से चलाए। कितने सारे भाई आए देखो हमसे मिलने, तो हाय कर दो एक बार। Hey, what's up everyone? Welcome to the new vlog। और आपको जो दिखाने के लिए मैं अपना कैमरा ऑन किया वो है आगे वाला वो स्कूटी मॉडिफाइड। उससे भी बढ़िया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है हैट्स ऑफ टू दिस लेडी, जो हैंडीकैप होकर भी खुद का काम खुद कर रही है और इस गाड़ी को मॉडिफाई करके ना वो अपना ज़िंदगी आराम से चला रही है। तो जितने भी हमारे इस टाइप के भाई हैं हमारे फैमिली के मेंबर, सो आप देखो ऐसे भी अपना गाड़ी को मॉडिफाई करके आप खुद का काम खुद कर सकते हो। बाप रे बाप, ये ट्रैफिक क्रॉस करते करते तो अपना जान निकल जा रहा है। ओ टोटो अंकल, ओए ओ कक्का, सिंगल लेन बन गया है ना, साइड से जाओ ना। तो मैंने अभी फ्लाईओवर पकड़ लिया है और यहाँ से सिटी को देखो भाई, फ्लाईओवर के ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है। अब गेस करो भाई किधर जा रहा हूँ। बेसिकली जो बंगाल से हो सो ये ब्रिज को डेफिनेटली पहचानते हो, अगर पहचानते हो तो कमेंट्स करो, देखते हैं आप सही हो या गलत। अब तो आपको पता चल ही गया है मैं कहाँ जा रहा हूँ। सही में हम लोग जा रहे हैं दीघा। अभी मैं हूँ कोलाघाट के 5-6 किलोमीटर ही आगे और मैं और मेरा बंधु, मेरा साथी, छोटे से हम लोग एक साथ बड़े हुए लेकिन अभी तक एक भी राइड साथ में पहला राइड नहीं कर पाया। एक्चुअली बहुत सारे राइड अपना हो गया लेकिन ये कभी भी मेरे साथ नहीं ज्वाइन किया। आज पहली बार सडन प्लान हुआ, सुबह 10 बजे हम लोग घर से निकल गए दीघा के लिए भाई, और रोड पर रुके हैं। पीछे देख रहे हो नारियल पानी वानी है। हम लोग क्योंकि बहुत धूप है इसमें अपने शरीर को भी डिहाइड्रेट रखना है। और मेरा शिवली जो है यहाँ पर रोड पे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर अभी क्या करना है, जाना है ना? अभी तो बस उड़ना है, बस और कुछ नहीं, शिवली को लेकर उड़ना है। अभी मैं और मेरा दोस्त है अपना हर राइड का साथी शिवली, साथ में चलेंगे दीघा, बहुत मस्ती वस्ती करेंगे। लेकिन वो मस्ती वाला जो व्लॉग होगा वो अलग से मैं डालूंगा। ये रोड का जो व्यू है ना ये आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये हमारा राइड का पहला टोल है जो कि एज यूजुअल फ्री है। ओ भाई इस रेंगलर को देखो भाई, भाई ने बढ़िया काम करवा रखा है इसमें, शिवली और साथ में रेंगलर। वही हाँ हाँ, ये मेरा वर्कशॉप का शोफर है। अच्छा, ये तो मेरा दोस्त का पहचान वाले हैं। सो किधर गए? सो अभी मैं हूँ हाईवे में, बस थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए रुका था, थोड़ा सा फ्रेश माइंड के लिए, है ना ब्रो? तो मेरा शिवली इधर खड़ा है और कितने सारे भाई आए देखो हमसे मिलने, तो हाय कर दो एक बार। तो चैनल देखोगे ना और शेयर भी करना, ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच। तीन सभी ने रुके थे, हमें फोटो वोटो लिया है। फूलिंग करना भूल गया भाई। और ये रेंज अभी दिखा रहा है 18 किलोमीटर, और यहाँ से जो दीघा का डिस्टेंस है वो बचा है 124 किलोमीटर। सो मुझे अभी फ्यूल चाहिए और दीघा में मैक्स टू मैक्स हम लोग 2 घंटा रहेंगे क्योंकि आज ही वापस आने का प्लान है। तो चलो जितना भी हो 105 हो या 10 हो, हमें तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। अभी यहाँ से दीघा सिर्फ 80 किलोमीटर बाकी रह गया। और ये है सीन देखो भाई, आपको अगर घर बनाने का बालू चाहिए ना तो यहाँ से उठा के ले जाओ, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। डेस्टिनेशन यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर बाकी है और रोड कंडीशन जो है भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लो भाई हाईवे में है और रेस करने वाले नहीं आएंगे, ये देखो आ गए रेस करने वाले शिवली के साथ। बहुत देर से ये दोनों बंदे हमारे आगे पीछे हो रहे हैं। क्या हुआ?
चलाओ भगाओ। हाँ क्या हुआ, बाइक बढ़िया है? ठीक है, थैंक यू भाई। चलो चलो, मुझे ना बस ये जगह आते ही ऐसा लगता है कि मैं दीघा एंटर कर चुका हूँ। ये दोनों साइड जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना, ऐसा बहुत बढ़िया लगता है ये सीन। आपको ये सीन कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। हम ना एकदम प्रॉपर दीघा नहीं जा रहे हैं, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है ताजपुर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1.5 किलोमीटर दूर है। ये जो रास्ता है भाई बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई फाइनली हम आ गए हैं। वो सो भाई देखो, शिवल्ली आ गया है बीच में समुंदर किनारे। मुझे थोड़ा सा इच्छा है मन में कि इसके ऊपर से चलाए, थोड़ा देखते हैं कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। सो इससे आगे जाना सही होगा क्या?